मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब खाड़ी देशों पर भी पड़ने लगा है। इस कड़ी में सऊदी अरब भी अब अपनी हवाई सुरक्षा को लेकर चौकन्ना हो गया है। मौजूदा दौर के एडवांस और खतरनाक हमलों को देखते हुए सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा का खतरा मंडराने लगा है। लिहाजा अपने एयर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए सऊदी अरब बड़े पैमाने पर समझौते कर रहा है। इससे पश्चिमी देश खासकर अमेरिका बौखला गया है। दरअसल खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका का एक करीबी की रूस के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। रूस और सऊदी अरब के बीच कड़ी डिफेंस डील हो रही है। डिफेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब रूस से पैंट्रीस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम खरीद रहा है। अगर ये अफवाह सही साबित होती है तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है। अमेरिका एक और देश को अपने से दूर होते हुए नहीं देखना चाहता है। मालूम हो कि नाटो मेंबर तुर्की अमेरिका से उलट राह पर चलता रहा है, जिसके चलते उसे कई बार अमेरिकी प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा है। माना जा रहा है कि तुर्की के ही नक्शे कदम पर चलते हुए सऊदी अरब रूस से डील कर रहा है। आइए पहले जान लेते हैं कि रूस के पैंट्सीर की ऐसी क्या खासियत है कि सऊदी अरब उसे लेने को बेताब बैठा है और अमेरिका से कन्नी काटने को भी तैयार है। पैंट्सीर एक ऑटोमेटिक सतह से हवा में मार करने वाला एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसे दुश्मन के युद्धक विमानों, हेलीकॉप्टरों, सटीक हमला करने वाले हथियार, क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइलें और यूएवी को भी मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम कम से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मनों की मिसाइलों और ड्रोन को भी मार गिरा सकता है। इसका रडार 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर टारगेट का पता लगाने में सक्षम है। ये दो 30 mm तोपों और 12 मिसाइलों से लैस है, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को मार गिरा सकता है। बता दें कि अमेरिका ने रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर CAASTA कानून थोपकर प्रतिबंधों का ऐलान कर रखा है। इसके जद में नाटो मेंबर तुर्की भी आ चुका है। अमेरिका ने तुर्की पर रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर ऐतराज जताया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू जेट देने की अपनी योजना को रोककर तुर्की को इससे बाहर कर दिया था। ऐसे में अगर सऊदी अरब और रूस की डील सचमुच में होती है तो रियाद के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा खड़ा हो सकता है। अगर इस डील की पुष्टि हो जाती है तो सऊदी अरब, यूएई और ओमान के बाद इस सिस्टम को हासिल करने वाला फारस की खाड़ी का तीसरा देश बन जाएगा। पैंट्सीर जंगी मैदान में एक विश्वसनीय विकल्प माना जाता है। हाल में किए गए सुधारों और बदलावों ने इसे मिसाइलों और रॉकेटों से होने वाले खतरों को कम करने के लिए यूक्रेन में काफ़ी प्रभावी बना दिया है, जिससे इसकी मांग बढ़ गई है। यही वजह है कि सऊदी अरब इस सिस्टम को लेने की पूरी ताक में है। गौरतलब है कि सऊदी अरब के पास पहले से ही अमेरिका का थार सिस्टम तैनात है।